कायरा साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरे भारत पर बड़ी तनकीद हो रही है। पीटीआई बहुत ज़्यादा तनकीद कर रही है कि इन्हें जाना ही नहीं चाहिए था, जब वर्चुअल एक पार्टिसिपेशन हो सकती थी। अब जाके आपने क्या कर लिया, उल्टा आपने इतनी बेइज्जती करवा ली अपनी भी और अपने मुल्क की, तो आपको हासिल क्या हुआ? अगर हम ये नहीं कहते कि फोरम छोड़ देते, आप वर्चुअल तरीके से भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। देखिए, गुजारिश ये है कि पीटीआई ने हर हाल में एतराज करना था। आप जरा गौर कीजिए, उनकी गुफ्तगू का आलम यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने पहले कहा कि ये बड़ा अच्छा फैसला है, वजीर खारजा को जाना चाहिए था, उन्होंने अच्छा फैसला किया। जब खान साहब ने कहा कि नहीं, ये अच्छा फैसला नहीं है, तो शाह महमूद कुरैशी साहब भी यू टर्न ले गए। अब ऐसी सूरत में क्या किया जा सकता है? सवाल ये है कि एतराज क्या है कि उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती हो गई। और किस मुल्क से हाथ मिलाया? क्या बाकी मुल्कों के वज़राए खारजा से हाथ मिलाया? आंसर इज नो, उनका अपना एक्सट्रेडिशन है। दूसरी बात यह है कि अगर फर्ज करें इनके आर्गूमेंट में कोई जान है, कोई वजन है, तो इवन देन देखना यह है कि क्या ये एक अच्छा इंसानी रवैया था अगर हाथ नहीं मिलाया। नहीं, हाथ ना मिलाना ये तो कोई वजह ही नहीं है, इसको कौन तनकीद कर निशाना बना रहा है? उन्होंने तो किसी से हाथ नहीं मिलाया। नहीं, वजह ये है कि जिस तरीके से उन्होंने बिलावल भुट्टो का नाम लेके फिर उन्होंने कहा कि माजरत के साथ, जिस तरह आप बोलते हैं कि उन्होंने टेररिज्म के साथ जोड़ा, स्पोक्स पर्सन उन्होंने कहा कि टेररिस्ट मुल्क का एक स्पोक पर्सन। बात ये है कि हिंदुस्तान से आपको क्या तवक्को है? वो आपके आपके लिए फूल पेश करेगा? उसके जवाब में बिलावल साहब ने क्या कहा? उनकी सरजमीन पे बैठ के उनको एक एक चीज का जवाब नहीं दिया क्या? आप उनके बारे में जो बातें करें उसके जवाब में वो भी ऐसे ही करेंगे। एक दुश्मन मुल्क है, वो आपसे क्या तवक्को कर सकता है, तक सकते आप उससे? हाँ, उस फोरम पे जाके बिलावल साहब ने चाइनीज वजीर खारजा के साथ, रशियन वजीर खारजा के साथ और दीगर वजराए खारजा के साथ जो साइडलाइन मीटिंग्स की हैं, उसका पाकिस्तान को बहुत फायदा है। और हिंदुस्तान को अगर बातें सुनानी है तो वो खूब सुना के आए हैं हर फोरम पे। अगर फर्ज करें उन्होंने बद तहजीबी की है, तो वो बद तहजीबी की मजम्मत हो सकती है, लेकिन बिलावल साहब ने बड़े आला अल्फाज में उनके देश में बैठ के उनकी हुकूमत को, वो कश्मीर का इशू हो, वो गुजरात का इशू हो, वो अभिनंदन का इशू हो, इन सब इशूज के ऊपर बड़ी वाज़े तौर पे अपनी पोजीशन ली है। हाँ, लेकिन मुहज़्ज़ब अंदाज में ली है, वो पीटीआई स्टाइल में गाली गलौज के रंग में नहीं ली। ये बात अपनी जगह है, उनका स्टाइल उनको। हाँ, लेकिन कश्मीर के खुसूसी स्टेटस। हाँ, एक चीज है, एक चीज कॉमन है। एक मिनट, हिंदुस्तान के अंदर चेयरमैन बिलावल के टूर को बहुत क्रिटिसाइज किया गया, बीजेपी और आरएसएस ने बहुत क्रिटिसाइज किया। हाँ। और वो समझ आता है कि बिलावल साहब ने उनके लीडर के बारे में, उनकी हुकूमत के बारे में जिस तरह उनको टेररिज्म का एक वाज़े तौर पे पैगाम दिया कि आप क्या हैं, उसके जवाब में वो इंतहा पसंदी करते। मुझे ये समझ नहीं आई कि वहां तो आरएसएस बातें करे, मोदी की मोहब्बत करने वाले तो करें, पाकिस्तान के अंदर पीटीआई के अंदर ये क्या हो गया कि वो भी वही जबान बोल रहे हैं जो आरएसएस और बीजेपी? बाबा, पीटी को आरएसएस के साथ और मोदी की जमात के साथ बीजेपी के साथ तो ना जोड़े ना कायरा, किसी के साथ नहीं जोड़ रहा मैं किसी के साथ नहीं जोड़ रहा। मैं कह रहा हूँ कि ये वही जबान बोल रहे हैं, वो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं क्या करूँ? लेकिन मेरा सवाल इसके बाद मैं इलेक्शंस पे बात करती हूँ। जब हमारा एक पॉलिसी है कि जब से भारत ने कश्मीर का खसूसी स्टेटस खत्म किया है, हमें इनसे बातचीत नहीं करनी है, हमें नहीं जाना चाहिए था, क्या ये उसूली मौके दुरुस्त नहीं है? ये गलत पर्सपेक्टिव है। हमें हिंदुस्तान की दावत पे नहीं जाए, हम हिंदुस्तान दावत पे नहीं गए, किसी बायलैटरल दावत पे नहीं गए, अपने इनिशिएटिव पे नहीं गए। एससीओ कॉन्फ्रेंस में जाना था, एससीओ कॉन्फ्रेंस की मेजबानी हिंदुस्तान के पास थी, वो गोवा में इस वक्त हो रही थी, लिहाजा वहां जाना बिल्कुल कोई जुर्म नहीं था। आपकी राय का या पीटीआई की राय अपनी जगह, लेकिन मुल्क की अक्सरियत ये राय रखती है, दुनिया भर के अक्सरियत लोग ये राय रखते हैं कि ये बहुत अच्छा फैसला था। हमारी हुकूमत के अंदर शामिल सारी जमातें, सारा मीडिया वाइडली इसको अप्रिशिएट कर रहा है। हाँ, कुछ तंग नजरी भी इसके बारे में आ रही है, वो आपकी अपनी राय है। अच्छा कायरा साहब, अब ये
इलेक्शंस के लिए जो आप लोगों के मुज़ाकरात शुरू हुए थे हुकूमत के पीटीआई के साथ, अब ख़त्म इसको समझें, मजीद होने हैं नहीं होने हैं? खान साहब ने तो आज कह दिया कि अगर 14 मई को इलेक्शंस नहीं हुए वो तो पूरे मुल्क में आप जलसे करने जा रहे हैं। आज भी उन्होंने आयन की पामाली के ख़िलाफ़ और चीफ जस्टिस से इजहार यकजहती के लिए उन्होंने रैलीज निकाली मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में। अब ना ही समझें इन मुज़ाकरात में, मुज़ाकरात के अंदर जो गुफ्तगू चल रही थी वो यही थी कि जुलाई में जून में ये बजट पेश करेंगे। पहले दो दिन के वाकयात ये हैं और ये बड़े वाज़े तौर पे कमेटी मेंबरान बयान कर चुके हैं कि जून में बजट पेश हो, जुलाई के पहले हफ्ते में असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दी जाएं और 90 दिन में इलेक्शन करा दिए जाएँ। ये पीटीआई की तरफ से मुतालबा था, हमारी तरफ से ये था कि जुलाई के चौथे हफ्ते में या तीसरे हफ्ते में असम्बलियाँ डिसॉल्व की जाएँ, और हमारा ख्याल था कि तीसरे दिन जब मुज़ाकरात के हैं उस दिन ये फैसला हो जाएगा, कोई 14-15-12 तारीख के आगे पीछे तय हो जाएगी बात। लेकिन तीसरे दिन मुज़ाकरात शुरू होने से पहले खान साहब ने यही मंत्रा बोला कि जी 14 मई से पहले असम्बलियाँ डिसॉल्व करते हैं और डेट देते हैं तो बात ठीक है, वरना जवाब दे के आ जाओ। तो भाई जाओ, ठीक है, जाके अपना शौक पूरा कर लो। आपने 14 तक क्या इंतजार करना, उससे पहले जुलूस निकाले, वो जुलूस तो निकाल चुके इस मुल्क का, अब मजीद अपना शौक पूरा करें। सड़कों पे आना चाहते हैं, किसने रोका है? पहले घर से बाहर निकले, वो जो प्रोटेक्टिव बाल अपने गिर्द लेके घूम रहे हैं उससे बाहर निकलेंगे तो लोगों में जाएं। चलिए, जहां तक तलक मौजूदा एहतजाज का जो आज उन्होंने यकजहती किया है, जरा इसका दूसरा पहलू देखिए। एक पहलू यह है कि खान साहब हमारे रवैयों के खिलाफ ये कह रहे हैं ना कि वो गए हैं चीफ जस्टिस के साथ, हमारे नहीं, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज साहबान वो भी हैं। तकरीबन आधे आधे सुना जाता है कि जो चीफ जस्टिस के साथ है और चीफ जस्टिस के साथ नहीं है। सो इमरान खान साहब चीफ जस्टिस के साथ खड़े हुए हैं, उस ग्रुप के साथ खड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब के साथ है, वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होने नहीं गए, और वो ये कह रहे हैं उनके रवैये के बाद। तो अब ये होना चाहिए ना लॉजिकली, जो हम करने नहीं जा रहे लेकिन लॉजिकली वो क्या कर रहे हैं, वो हमें कह रहे हैं कि वो चीफ जस्टिस के हक में गए हैं और हमें अगर उन पे एतराज है तो हम उनके खिलाफ जुलूस निकाले। एक मिनट के लिए उनके प्रोटेस्ट को, उनके जलसों को जरा एक साइड पे रखें, लेकिन 14 मई को इंतखाबात करवाने के हवाले सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना एक फैसला लिख रखा है। अब जाहिर है सबको नजर आ रहा है 14 मई को इलेक्शंस तो नहीं हो सकते, लेकिन तौहीन अदालत जरूर लग सकती है। नहीं नहीं नहीं, कोई मसला नहीं तौहीन अदालत का, सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक रास्ता दे रखा है। आप लोगों ने तो भुगता है गिलानी साहब की सूरत में, आप कैसे कह सकते हैं? आप लोगों पीपल्स पार्टी तो भुगत चुकी है। अच्छा, कुछ नहीं होगा, मुस्लिम लीग भी भुगत चुकी है, हमें भुगतना पड़ा तो हम इससे इनकारी नहीं है। गुजारिश ये है कि हम कोई कंटेम्प्ट कर नहीं रहे, अदालत ने खुद ये रास्ता दिया था। अगर मुज़ाकरात के बाद नई डेट पे इत्तेफाक राय हो जाए तो आईन शिकनी नहीं होती, अदालत की तौहीन नहीं होती, अदालत का फैसला खराब नहीं होता, तो फिर अदालत का रिव्यू कर लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि इस वक्त खान साहब ने इन मुज़ाकरात भी तो किसी तरफ लगे ना, मसला तो ये कि मुज़ाकरात भी तो किसी तरफ नहीं लग रहे हैं। ना कैसे, कौन रोक रहा है, किसने कहा है कि मैं 14 से आगे नहीं जाना चाहता? मुज़ाकरात कोई डेडलॉक पे कैसे किए जाते हैं, ये तरीकाकार है, इमरान खान है जो रोक रहे हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। हम तो कह रहे हैं, उनकी जमात कह रही थी, मैंने अभी पूरी तफसील आपको बताई। मौलाना साहब भी तो मुज़ाकरात को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, मरियम बीबी भी खुश नहीं है। मौलाना साहब ने मुज़ाकरात को अप्रिशिएट नहीं किया लेकिन इनकार भी नहीं किया, वो हमें रोकते तो हम मुज़ाकरात करने जाते। जो कुछ बदतमीजी उनके साथ की गई है, बदतहजीबी की गई है, उसके बाद उनका यही रवैया होना चाहिए, लेकिन उन्होंने हमें तो नहीं रोका। उन्होंने कहा कि ठीक है आप मुज़ाकरात कर लीजिए, लेकिन उनके तहफ़ुज़ात अब इमरान खान दुरुस्त साबित कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि ये मुज़ाकरात से भाग जाएंगे, वो कह रहे थे कि ये आपको खार करेंगे, इसके बावजूद हमने कहा नहीं मुज़ाकरात होने चाहिए।